अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एम्बिशियस कंप्यूटर कोर्स में आज का जो हमारा काम है, आज का जो हमारा टास्क है, हमने ये सीखना है कि हमने एमएस वर्ड के ऊपर अगर हेडर और फुटर्स को ऐड करना है, हम एमएस वर्ड के ऊपर हेडर और फुटर को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने इनजेड के ऊपर जाना है। इनजेड के ऊपर आपको दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, हेडर एंड फुटर। आप हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे, हेडर का मतलब होता है टॉप ऑफ द पेज पे क्या लिखना है, फुटर का मतलब होता है बॉटम के ऊपर आपने क्या लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं हेडर को सिलेक्ट करता हूँ। अब आपको यहाँ पे हमने हेडर के ऊपर क्लिक किया, आपके सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हेडर आ जाएगा। देखें हेडर किया तो ये आपके सामने एक हेडर शो हो गया कि आप यहाँ पे हेडर के ऊपर क्या लिखना चाहते हैं। आप जो भी हेडर के ऊपर ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे हेडर के ऊपर क्या कर लेंगे, वो चीज़ ऐड कर लेंगे। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, एक दफ़ा बैक जाके आप लोग इनसर्ट में जाएंगे, इनसर्ट के ऊपर आप हेडर पे क्लिक करेंगे और हेडर पे क्लिक करते ही आपके सामने क्या ओपन हो जाएगा, आप जिस किस्म का भी हेडर ऐड करना चाहते हैं वो आप लोगों ने क्या कर देना है, हेडर ऐड कर देना। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं ऑनलाइन क्लासेस। हम चाहते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पेज के ऊपर है ऑनलाइन क्लासेस, इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ये देखें ये ऑनलाइन क्लासेस अब हर पेज के ऊपर आएगा। एक मेथड तो ये है कि आप इस तरह क्या करेंगे, हेडर को ऐड कर देंगे। आप ऑनलाइन क्लासेस मेंशन कर दिया और यहाँ पे आप हेडर को इजीली ऐड कर दें। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फर्स्ट पेज का हेडर है वो डिफरेंट हो, बाकी पेजेस का डिफरेंट हो, आपने यहाँ पे डिफरेंट फर्स्ट पेज कर देना। सेम समटाइम्स होता है कि हम इवन और ऑड पेजेस का भी हेडर डिफरेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने इसके ऊपर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। दोबारा हेडर को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिक ये शो होगा कि फर्स्ट पेज डिफरेंट करना है। ये देखिए ऑटोमेटिक रिमूव हो गया, इसको मैं क्लिक किया दोबारा वापस आ गया। ऑड और इवन पेजेस को डिफरेंट करना है तो आपके पास वो भी आपके हेडर्स डिफरेंट हो जाएंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हेडर ऐड करते हैं। देन अगर फुटर ऐड करना है तो फुटर के ऊपर जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे क्या शो होना शुरू हो जाएगा, फुटर आ जाएगा। और फुटर पे आप जो मर्जी चीज लिखना चाहे, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं एम्बिशियस एजुकेशनल सिस्टम, चाहे तो अंडरलाइन कर लें। अब आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेज डिफरेंट हो तो वो हेडर एंड फुटर डिफरेंट हो जाएंगे, और अगर चाहते हैं वही रहे तो ये आपके सामने हर पेज के ऊपर ही आता रहेगा। अब मैं आपको ये मूव करके दिखा देता हूँ कि हर पेज के ऊपर कैसे आता है। अब ये देखते जाएं, ये हर पेज के ऊपर आपको टॉप पे नजर आएगा ऑनलाइन क्लास, ठीक है, और बॉटम पे आपको द एम्बिशियस एजुकेशनल सिस्टम लिखा हुआ नजर आएगा। तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर को ऐड कर सकते हैं। इवन एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये नहीं करना चाहता, यहाँ पे मैं हेडर के तौर पे कोई पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ। आपने क्या करना है, हेडर को सेलेक्ट किया था, एडिट हेडर किया था तो ये आपके पास आ गया था। मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ, ये किसी भी पेज पे चले जाए, आपने इस पर डबल क्लिक किया तो हेडर आ गया वहां पे रखते हुए, सिर्फ टॉप पे डबल क्लिक करने की देर है, लेफ्ट क्लिक आपने डबल करना है ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो एडिट पे चले जाना। यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक किया, अब आप जो पिक्चर यहाँ पे ऐड करना चाहें आप अपनी मर्जी से यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मुझे ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो ये पिक्चर आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। अब इस पिक्चर को मैं जरा रैप टेक्स्ट करके टाइट कर दूँ, अपनी मर्जी से फ्री मूव करूँ। देखें पिक्चर पे जैसे क्लिक करेंगे ना ये आपके पास रैप टेक्स्ट आ जाएगा, इसको आपने टाइट कर देना। सब बच्चों को पिछले लेक्चर्स में प्रॉब्लम हो रही थी कि ये पिक्चर उनसे एडजस्ट नहीं हो रही, तो पिक्चर को एडजस्ट करने का आसान तरीका है, जैसे पिक्चर पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, रैप टेक्स्ट एक्टिव हो जाता है फॉर्मेट में जाके, आप इसको टाइट कर दें। आप इसको जहाँ पे मर्जी मूव करें, अब इसको कॉर्नर से पकड़ के मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखें ये आपका हेडर क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब ये वाला हेडर क्या होगा, हर पेज के ऊपर आता जाएगा। सेम आप फुटर को भी हर पेज के ऊपर ऐड करना चाहें तो अपनी कोई भी पिक्चर लगा के आप उसको भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा भी है,
आप किसी भी तरह हेडर एंड फुटर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आप वहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करना चाहें वो आपकी चॉइस है, आप वहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहें वो आपकी चॉइस है। तो कोई भी चीज़ आप हेडर एंड फुटर के ऊपर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा वे था हेडर एंड फुटर को एडजस्ट करने का। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी। अगर आप लोगों का फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो अपनी राय मुझे दीजिएगा आपकी, क्योंकि राय जो कमेंट बॉक्स में मुझे मिल रही होती है नॉर्मली मैं वहाँ पे रिप्लाई तो नहीं करता, लेकिन आपकी सारी सजेशंस मैं रीड आउट कर रहा होता हूँ और मैं पढ़ रहा होता हूँ। इवन आपकी ईमेल से मुझे आ रही होती है, इसमें कुछ स्टूडेंट सजेशंस दे रही होती है, वो सारी चीज़ें मैं चेक कर रहा होता हूँ। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है वर्ड ओपन करके आपने हेडर एंड फुटर कैसे ऐड करना है, और आप इस चीज़ को ऐड करने, आई होप कि आप इस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, आप सब लोगों की दुआओं का, आप सब लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। जितना आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप लोग रोज़ की जो मुझे वो आप लोग दुआएं दे रहे होते हैं इनबॉक्स के अंदर आके ईमेल्स के ज़रिए, तो मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी अर्निंग यही है। आई होप आप जो मैं मैसेज हमेशा देता हूँ लास्ट के ऊपर कि इस मुल्क के साथ एटलीस्ट मुखलिस होंगे। समटाइम्स आप लोगों को होगा कि आप लोग जब लोगों के लिए काम करना शुरू कर देंगे तो लोग उसमें भी कीड़े निकालेंगे। आप बेशक सच्चे दिल से नेक नीयत के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन लोग आपके ऊपर क्वेश्चन अराइज करेंगे, आपके ऊपर सवाल उठाएंगे, आपकी नीयत पे शक करेंगे। वो ये समझेंगे कि इससे आपको कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा हो रहा है, तो वो फैक्टर ऑफ जेलसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन चीज़ों से आपने कहीं भी परेशान होकर दिल छोटा करके आपने पीछे नहीं हटना अपने अच्छे काम से, क्योंकि जो अच्छाई करने वाला जो पाँव होता है ना, वो शैतान के सीने के ऊपर होता है। आपने आगे बढ़ते रहना है इंशाल्लाह, इसी नेक नियति के सदके आपकी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ भी पैदा होंगी। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।